सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम आपको एक एक्टिविटी के द्वारा डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाना सिखाएंगे। तो उसका नाम है 10 ग्राम। 10 ग्राम आपको पहले बनाना आना चाहिए। तो जब आपको 10 ग्राम बनाना आ जाएगा तो उसमें से कुछ शेप्स निकलती हैं, उन शेप से हम बहुत सारी आकृतियाँ और बना सकते हैं उनको आपस में ज्वाइन करके। तो चलिए सबसे पहले 10 ग्राम बनाना सीखते हैं। तो 10 ग्राम बनाना के लिए सबसे पहले आप एक ग्लेज पेपर लीजिए। इस ग्लेज पेपर का जो साइज है वो स्क्वेयर होना चाहिए, वर्गाकार, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रा करेंगे। यह लाइन आपने क्या करना है, एक वर्टिसिटी पर मिलाना है क्रॉस में, और फिर इसी प्रकार दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमने क्या कर लिया, दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं इसमें जो आपस में क्रॉस हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो ये लाइन है आपकी इस साइड में, इसका मिड पॉइंट लेना है, और उसी प्रकार इस लाइन का भी आपने मिड पॉइंट लेना है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। जो ये लाइन आगे बढ़ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने रब कर देना है, इरेज कर देना है, और मैंने इसको इरेज कर दिया। फिर ये आपके पास इस लाइन का मिड पॉइंट है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपने इसका फिर दो भाग कर लेने हैं बराबर। आपके स्केल से मेजरमेंट कर लेना और इसका मिड पॉइंट निकाल लेना। इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा और इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा, दोनों का आधा आधा कर लेना है। फिर इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। पहले मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया है। ध्यान से देखिए मैंने किसको ज्वाइन किया, तो एक ट्रायंगल बन गई है, और फिर मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये एक छोटा स्क्वायर बना है, और इस तरह से फिर ये हमारे पास शेप्स आ गई हैं। ध्यान से देखिए, ये दो बड़ी ट्रायंगल हैं, उसके बाद दो छोटी, एक मीडियम साइज, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और दूसरा स्क्वायर है। तो मैंने इनको कैंची से कट कर दिया है। तो अब आपके पास ये अलग अलग शेप, सभी अलग अलग हो गई। नेक्स्ट मैंने इनको अलग अलग करके नंबरिंग कर दिया ताकि इनको जोड़ते हुए कोई भी गलती ना हो। आपने शेप्स को ध्यान से काटना है। जब आप शेप्स को काट लोगे तो इन शेप्स की खास बात है, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही से फिट बैठ जाती हैं और इनसे बहुत सारी फिगर्स बन जाती हैं। अब आप देखोगे एक और दो नंबर क्या है, बड़ी ट्रायंगल है, तीन छोटी ट्रायंगल है, फोर स्क्वेयर है, फाइव भी एक छोटी ट्रायंगल है, सिक्स हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और सेवन एक मीडियम साइज की ट्रायंगल है। चलिए एक बार इनको फिर देख लेते हैं। ये ट्रायंगल आ गया आपकी, दूसरी ट्रायंगल है, ये मैं नंबरिंग कर दी इसकी, फिर ये मीडियम साइज ट्रायंगल, फिर आपका स्क्वेयर है, ये चार नंबर है, फिर दूसरी ट्रायंगल, ये भी दोनों बराबर हैं, फिर आपने एक पैरेललोग्राम लेना है, ये इसकी सिक्स हो गए, और इसके बाद जो मीडियम साइज ट्रायंगल है इसका सेवन नंबर आ जाएगा। इन ट्रायंगल से एक बार फिर देख लीजिए। तो जब ये ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल से चलिए अपनी जो फर्स्ट शेप है वो बनाते हैं। तो जैसे मैंने नंबर लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपने इनको यूज करना है। एक बार से फिर देख लीजिए, ये नंबर लगे हुए हैं, आपने भी ऐसे ही नंबर लगा लेने हैं। उसके बाद जो फर्स्ट शेप है उसमें आप क्या करोगे, एक नंबर की जो बड़ी ट्रायंगल है वो लेंगे, उसके साथ ऐसे वर्टिसेस के साथ जो दूसरी ट्रायंगल है बड़े वाली उसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए मैंने कैसे ज्वाइन किया है। फिर थर्ड आपकी जो थर्ड ट्रायंगल है मीडियम साइज की, उसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद आपके पास स्क्वेयर उसमें एक ही है, वो स्क्वेयर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। दो आपके पास ट्रायंगल बची हैं मीडियम साइज की, उनको यहाँ लगा देंगे, और एक आपके पास पैरेललोग्राम है वो इसके पीछे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या आकृति बनी है, ये आकृति एक कैट की है, बिल्ली की आकृति है ना, तो ये उन्हीं आकृतियों को मिला के बन गई है, और ये बहुत अच्छी भी लग रही है। तो जब आप कोई अपनी कॉपी पे से चिपका भी सकते हैं, अगर कॉपी पे चिपकाएंगे तो फिर को आपको बहुत सारे 10 ग्राम काटने पड़ेंगे ना, तो ऐसे आपने ये एक कैट बनानी है, ये क्या आपकी बिल्ली है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो शेप है वो देखिए क्या बनेगी। फिर वही जो बड़े वाली ट्रायंगल है एक नंबर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी ट्रायंगल, इसको अब हम इस तरह से इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है मीडियम साइज सेवन नंबर, वो यहाँ इसके साथ लगा देंगे। फिर एक ट्रायंगल और है आपके पास मीडियम साइज की, जो वो है जो छोटे वाली है फाइव नंबर, वो इसके साथ लग जाएगी। देखिए अब अभी तक हमने चारों ट्रायंगल ही लगाई हैं, और ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे ट्रायंगल्स को लगाया है। उसके बाद फिर आपके पास एक क्या है
स्क्वेयर उसमें एक ही है, चार नंबर यहाँ पर स्क्वेयर लग जाएगा, स्क्वेयर के बाद ये आपका पैरेललोग्राम है, सिक्स नंबर यहाँ लग जाएगा, और एक स्मॉल ट्रायंगल और बच्चों की आपके पास, उसको हम यहाँ लगा देंगे। ये क्या बना हमारे पास, बर्ड बना है, ये डक बनी है, तो ये आपका बर्ड है, पक्षी बन चुका है ये। इसके बाद नेक्स्ट शेप देखते हैं, ये वही है भी, हमने कैसे कैसे इसको ज्वाइन ज्वाइन किया है, ये आपका बर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो आपकी मीडियम साइज ट्रायंगल है सबसे पहले वो लेनी है, उसको सबसे पहले बेस पे लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरी ट्रायंगल है, फाइव नंबर जो छोटी ट्रायंगल है, वो उसके साथ बैक साइड में लग जाएगी। फिर आपके पास जो बड़े वाली ट्रायंगल है वो सेवन ट्रायंगल के साथ आपने लगा देनी है, ये आपने तीन ट्रायंगल लगा ली है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उसके ऊपर आ जाएगी, ये दो नंबर है, ये भी बड़ी ट्रायंगल है। फिर आपने, आपके पास इसमें एक ही क्या है, आपके पास स्क्वेयर एक ही है, चार नंबर वो यहाँ लग जाएगा। और फिर आपके पास ये क्या है, ये है पैरेललोग्राम, सिक्स नंबर, ये इसके ऊपर लगा देंगे। और ये आपकी थर्ड, तो अब ध्यान से देखिए क्या बना है आपका, ये रैबिट बना है। क्या बना है, रैबिट, खरगोश बना है, ये देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो अब तक हमने इससे कई आकृतियां बना ली हैं, चलिए कुछ आकृतियां और बना के दिखाता हूँ। इसके अलावा आप खुद से भी इनको आपस में ज्वाइन करके अलग अलग तरह की आकृतियां बना सकते हैं। तो आपने 10 ग्राम कई सारे काट लेने हैं, ताकि आप अपनी नोटबुक में चिपका सकें और आपको फ्यूचर में भी वो याद रहे। अब आपने ट्रायंगल नंबर एक लेनी है, फिर उसके ऊपर दो, फिर साथ में सात नंबर, फिर ये पैर लगा दिया इसका, ये पांच नंबर, फिर दूसरा पैर लगा दिया, ये आपने इसकी गर्दन लगा दी है, और ये इसके हाथ लगा दिए। तो देखो ये तो चाइनीज है ना, ये फाइटिंग कर रहा है, ये कुंफू है, ये फाइटिंग के लिए प्रैक्टिस है, कुंफू है। ये आपकी नेक्स्ट आ गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपने वन नंबर लेनी है, उसके साथ ही आपने टू नंबर को जोड़ देना है, ये फिर दोबारा से पैरेललोग्राम बन गया है। फिर इसके साथ यहाँ पर ये एक पैर लगा देंगे, यहाँ पर ये दूसरा, फिर पैरेललोग्राम लगा के ये इसकी गर्दन बन जाएगी। ये आपने ऐसे इसका, ये एक और बर्ड बन रहा है, ये बर्ड रनिंग है, ये रनिंग बर्ड है। तो ये आपकी नेक्स्ट शेप बन गई है, आपको अच्छा लग रहा होगा। इससे आगे फिर चलते हैं, ये देखिए अब हम बड़ी ट्रायंगल लेंगे, उसके साथ फिर जो मीडियम साइज ट्रायंगल है सात नंबर वो ज्वाइन कर देंगे, फिर ये थ्री नंबर, थ्री के साथ ही पांच नंबर ज्वाइन कर देंगे, और इसके ऊपर हमने जो बड़ी ट्रायंगल है टू नंबर ज्वाइन कर दी। यहाँ आपका पैरेललोग्राम आ गया है, वो ज्वाइन हो गया है, और ये आपने स्क्वेयर। तो देखिए क्या सुंदर घर बन गया आपका, ये आपका क्या है, स्वीट होम, होम स्वीट होम, मेरा प्यारा घर। तो इस तरह से मैंने कुछ आकृतियां आपको बना के दिखाई हैं, इससे एक दो दस बीस नहीं, इससे कई हजार जो आकृतियां हैं वो शेप्स बन सकती हैं। वो दिमाग डिपेंड करता है आपके दिमाग पे, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है। तो आपने भी अलग अलग अपने तरीके से ऐड करके बहुत सी आकृतियाँ बनानी हैं, जैसे आप इससे बोट बना सकते हो, जैसे आप इससे फ्लाइंग बर्ड बना सकते हो, इससे आप ट्री बना सकते हो, इससे आप एरोप्लेन बना सकते हो, इससे आप फिश बना सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। इसी के साथ सभी बच्चों का धन्यवाद।